Hello everyone, welcome to the SAM, that is a study art motivation and education, and in this video we are going to discuss about the circumferential clasp or you can say C clasp. Okay, तो हम सी क्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको अंडरकट्स के बारे में बताया था मोड ऑफ एक्शन में. तो कौन से अंडरकट्स होंगे इसमें? इसमें बकल एंड सर्वाइकल अंडरकट्स में इसे यूज किया जाता है. ठीक है, अब सबसे पहले इसके अपन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका? बहुत सिंपल है डिजाइन करने में, इट इज द सिंपलेस्ट क्लास्प. ठीक है, तो सबसे सिंपल डिजाइन होता है इसका, फैब्रिकेशन भी बहुत इजी होता है. डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ फुली रप्टेड टूथ में ही यूज कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन पार्शियली रप्टेड टीथ. ठीक है, वेयर इन द सर्वाइकल अंडरकट्स इज नॉट अवेलेबल फॉर क्लास्प फैब्रिकेशन. क्यों हम पार्शियली रप्टेड टूथ में सी क्लास्प यूज नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें सर्वाइकल अंडरकट्स जो है वो नहीं होते फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ द क्लास्प. ठीक है, तो अब देखो फुली रप्टेड में ही होगा. ठीक है, ये याद रखना. अब देखो सी क्लास्प का, ये देखो मैं आपको ये बताती हूँ, यू कैन सी दिस है ना, ये देखो यस सी, ये है सी. ठीक है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, दिस इज द सी क्लास्प. अब देखो यहाँ पे हम सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखो अगर इसको ऐसे करो तो सी बन रहा है, ये सी बन रहा है. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका कहां जाएगा? सी. इट्स अ सी क्लास, हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सी बना रहा है यहाँ पे ऐसे. ठीक है, फिर यहां से इसका ये रिटेंटिव आर्म होगा जो अडेप्ट होगा. ठीक है, तो क्या हो रहा है, वायर इज इंगेज्ड फ्रॉम वन प्रॉक्सिमल अंडरकट अलोंग विद द सर्वाइकल मार्जिन. ये देखो ये आपका सर्वाइकल मार्जिन है, ये वाला पार्ट. ठीक है, दिस इज योर सर्वाइकल मार्जिन. ठीक है, तो वायर इंगेज फ्रॉम वन प्रॉक्सिमल अंडरकट अलोंग द सर्वाइकल मार्जिन देन कैरिड ओवर द ऑक्लूजल एम्ब्रेजर. सी दिस, इसको हमने यहां लगाया. ठीक है, ये सर्वाइकल मार्जिन से गया, ये यहां ऑक्लूजन पर आया. ठीक है, कैरिड ओवर द ऑक्लूजन एम्ब्रेजर. ऑक्लूजन एम्ब्रेजर दिख रहा है आपको? ठीक है, टू एंड एज अ सिंगल रिटेंटिव. अभी देखो ये रिटेंटिव आर्म है और सिंगल रिटेंटिव आर्म है इसका. ठीक है, This is your single retentive arm. ठीक है, तो it ends as a single retentive arm on the lingual aspect. ये lingual aspect है उसका, तो on the lingual aspect that gets embedded in the acrylic base plate. अब है ना यहाँ पर जो है ना, जब ये पूरा बन जाएगा तब मैं आपको एक बार और दिखाऊंगी. तो यहाँ पर आपका acrylic base plate बनता है. ठीक है, base plate क्यों बनाया जाता है? Base plate इसलिए बनाया जाता है, ये जो part है रिटेंटिव आर्म का, इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है ये एम्बेडेड होगा एक्राइलिक बेस प्लेट में. ठीक है, ताकि ये जो है वो मूव ना करे. ठीक है, तो पेशेंट उस बेस प्लेट के साथ इसको भी निकाल, जब सी अगर यहाँ पर बेस प्लेट है तो पेशेंट इसको निकालेगा तो आपका सी क्लास भी अपने आप निकल जाएगा. ठीक है, तो ये चीज है, ये हुआ आपका सी क्लास. ठीक है, नेक्स्ट में हम यू क्लास पे पढ़ेंगे. यू क्लास में कुछ नहीं है, ये जो यहाँ से हमने कट किया यहाँ पर सिर्फ सी बनाया, यहाँ पर ये यू बन जाएगा. एंड यहाँ पर जो ऑक्लूजल एम्ब्रेजर में सिर्फ वन साइडेड था, ये टू साइडेड हो जाएगा. ठीक है, तो ये है यू क्लास में, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड दिस इज द सी क्लास, आई होप यू गेट इट. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर एकेडमिक्स, एंड इफ इट डज देन आई वुड बी रियली रियली ग्रेटफुल. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.